नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। नई अनाज मंडी चरखी दादरी में एक फर्म एचएस ट्रेडिंग कंपनी की दुकान पर आज अज्ञात फायरिंग करने वाले के विरोध रोष प्रकट करने के लिए अनाज मंडी में आढ़ती एसोसिएशन द्वारा अनाज मंडी के सभी आढ़ती अपनी अपनी दुकानों को बंद करके धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया तथा प्रशासन को अलर्ट किया है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए सभी आढ़तियों और आढ़ती एसोसिएशन ने एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा है। बताया जा रहा है कि चरखी दादरी में क्रेशर यूनियन के प्रधान और उसकी नई अनाज मंडी में स्थित एक दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाई। इतना ही नहीं, करीबन 6 गोलियां लगातार चलाई गई। वहीं दुकान पर काम करने वाले एक नौकर को छरा भी लगा। इससे 2 दिन पहले भी दुकान मालिकों पर गोलियां चलाई गई थी। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो पूरा बाजार चरखी दादरी का बंद कर दिया जाएगा। इसी को लेकर के आढ़ती एसोसिएशन ने ये मांग की है और ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। गिरफ्तार किए हैं, 2 तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं और 2 इनके हेल्पर हैं जो कि मौजूद थे मौके पे, और 2 तो फायरिंग में इन्वॉल्व थे वो भी दो ने अरेस्ट किए हैं। और इसके अलावा भी जो इनके हेल्पर्स हैं जो इनके संरक्षण देते हैं या इनको जिन्होंने हेल्प प्रोवाइड किए है, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किए, उन लोगों को हमने हिरासत में जल्दी हम ले गए इसमें। और इसमें 8 लोगों के नाम आए हैं, जो 4 भाई ने हैं, 4 अन्य हैं, जिनमें से 8 में से 2 अरेस्ट हो गए, 6 अभी अरेस्ट नहीं हो पाए हैं और 2 अन्य जो उनके हेल्पर थे वो अरेस्ट हुए हैं जी। और देखिए, 5-6 फोन तो मुझे पता लगा है कि जो उसमें गोलियों के जहाँ निशान मिले हैं, और अभी इसमें जो कार्रवाई जो पुलिस वालों के जो लापरवाही मिली उसमें 4 पुलिस वाले भी हमने निलंबित किए हैं। 8 तारीख को किलियाना गांव की ये घटना है, वहाँ जो क्रैशर जोन है, तो रोहित पुत्र राम भजन, मनीष पुत्र बलवान, आनंद पुत्र भीम, ये कुछ लोग मिलके 25-30 आदमी उनके माइंस के उनके ये सोमवीर प्रधान है उसके यहाँ ये लोग गए हैं, बता रहे हैं उनके साथ इन्होंने की थोड़ी बहुत घास हुई है। ये कहते हैं कि हम नौकरी मांगने गए थे, कुछ गांव के लोग ये कहते हैं कि काउंटर एलिगेशन है इसमें। तो इस संबंध में ये लोग जो सोमवीर प्रधान के नेतृत्व में ये लोग अगले दिन 8 तारीख को जो गांव किलियाना गांव का सरपंच है उसके पास इन्होंने वहां पंचायत करी है, जिसमें 40-50 इस तरफ से थे जो प्रेशर जोन के लोग थे सोमवीर प्रधान की नेतृत्व में और कुछ गांव के लोग थे। तो वहाँ हमें पता लगा है और इन लोगों ने बताया है तो वहाँ इनकी कोई कहा सुनी हुई है छोटी मोटी, उसके बाद ये लोग पीछे से बदमाश ये लोग आए हैं और इन्होंने इन पे सोमवीर प्रधान की पार्टी पे जो प्रेशर जोन के जो लोग हैं उनके ऊपर फायरिंग करी है, जिसमें से एक लड़के को इसमें गोली लगी थी जो कि विजयी में है, खतरे से बाहर है। इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज किया था जोजूकला थाने में 9 तारीख को। इसमें उस टाइम इन लोगों के पास भी नाम नहीं थे कंप्लेनेंट्स के पास, तो जो नाम थे इन्होंने वो हमें दिए थे, तो 4 बाई नेम थे, वह इनके अन्य साथी थे, तो मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद हमने इसकी जितनी भी हमारी CIA की दोनों टीमें हैं थाने की हैं सबको इकट्ठा करके उन पर रेड करवाने शुरू करी थी, और जो सोमवीर प्रधान को हमने इसमें जनमैन भी दिया था, और मंडी में इसकी जहाँ दुकान है वहाँ भी हमने गेट पे जवान लगा रखे थे ताकि यहाँ भी कोई घटना ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज सुबह 8 बजे 2 लोग नामालूम लोग नकाब पे पोस्ट बता रहे हैं, उन्होंने वहाँ मंडी में फायरिंग करी है, जो कि 100% इसी ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने ये दहशत फैलाने के लिए ये काम किया है ताकि ये लोग अपनी कंप्लेंट वापस ले लें और समझौता वगैरह कर लें डर के मारे। लेकिन इस संबंध में हमने पहले ही इसमें जो ये 7 तारीख की जो घटना हुई थी यानी 8 तारीख को जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें हमने राम भजन उर्फ ढिल्लू पुत्र जयमल और राहुल उर्फ कालू पुत्र राम भजन इनको हमने 9 तारीख को ही अरेस्ट कर लिया था, जो इनके हेल्पर हैं इन इस ग्रुप के। उसके अलावा कल रात को हमने जो इनके मेन साथी हैं
जो आठ लोग सात आठ का जो ग्रुप है उसमें से दो लोग हमने इसमें अरेस्ट कर लिए। परीक्षित उर्फ पीके पुत्र महेंद्र वासी गोलागढ़ जिला भिवानी व विकास उर्फ पोपट पुत्र विनोद वासी वार्ड नंबर 13 लोहारू। ये जो विकास है ये ऑलरेडी लोहारू के एक मुकदमे में वांछित है वहाँ, और ये बदमाश किस्म के हैं। और ये जो सात आठ लोग हैं इनमें जो नाम सामने आए हैं कुछ तो चार तो बाई नेम ही है जैसा आप जानते हैं, रोहित पुत्र राम भजन जाति जास, दूसरा है कृष्ण उर्फ फोर गांव माजरा जिला ये झज्जर, तीसरा है मनीष पुत्र बलवान जाति जाट वासी किलियाना, चौथा है संजय उर्फ भेड़िया पुत्र लक्ष्मीराम जाति कुमार वासी किलियाना, पांचवा है मोहित पुत्र विनोद जाति जोगी वासी किलियाना, छठा है आनंद पुत्र भीम वासी आनंदपुर गाड़ी। और ये छह तो ये हो गए, दो विकास और परीक्षित हो गए, तो ये आठ लोगों का जो उस दिन पता लगा हमारा। और इन दोनों से हमने जो उस दिन जो वेपन यूज हुआ था 32 बोर का है वो हमने काबू कर लिया है, मतलब हमारे हिरासत में इस टाइम। और इसमें और गहनता से जो हम पूछताछ कर रहे हैं और जो जिला झज्जर रोहतक सोनीपत और जो हमारे आसपास के हैं हमारे एडीजी रेंज की आदेशानुसार उनकी जो सीआईए टीम है उनकी भी हम सहायता ले रहे हैं इसमें। और ये जल्दी ही जो बाई नेम मुलजिम है और जो बगैर नाम के हैं जो जिनके नाम नहीं है लेकिन हमारे पास है उनको भी हम जल्द से जल्द इसमें इस मुकदमे में गिरफ्तार करेंगे। इसमें जैसे मैंने बताया कि जब ये 8 तारीख की वहाँ वारदात हुई थी जो उसको थ्रेट था सोमवीर प्रधान को, उसके बेस पे उसको गनमैन दिए गए थे, पर्सनल गनमैन दिया था। और उसकी जहाँ दुकान है नई अनाज मंडी में वहाँ भी हमने जवान लगाए थे ताकि कोई इस तरह की कोई वारदात ना हो, लेकिन उन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की और उनको निलंबित किया। कितने लोग? ये चार लोग हैं, हेड कांस्टेबल एंड तीन कांस्टेबल हैं जिनको उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और आगे भी अगर कोई काम नहीं करेगा तो आई विल टेक एक्शन। देखिए मेरे संज्ञान में आया है कि ये जो ग्रुप है ये 8-10 लोगों का, ये पहले भी इस तरह की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। तो इन जो तीन मुकदमों में जो मैंने पता लगा है तीन मुकदमों में इनमें से दो तीन लोग बेल आउट हैं, बेल पे हैं, तो इनकी बेल कैंसिल करवाने के लिए भी हमने कोर्ट को लिखा है, क्योंकि ये बेल लेके और फिर बाहर फिर ये इस तरह के धंधे करते हैं। और जहां तक आगे सुरक्षा की वो है उसके मद्देनजर रखते हुए हमने गाँव में PCR लगाई है वहाँ क्रैशर जोन में, और मंडी में भी PCR लगाई है, और आगे भी एक बार ये मुकदमा निपट जाए ये अरेस्ट हो जाए उसके बाद में क्रैशर जोन के लोगों से मिल करके क्या उसके आगे इंतजाम किए जा सकते हैं पुख्ता। हालांकि ऐसे खाना वहां से ज्यादा दूर नहीं है जी। हाँ जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये काम ये लोग यही काम करते हैं और जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तार किए जाएंगे सारे जी। सर बातचीत के दौरान जैसे अभी पूछताछ हुई है तो उस दौरान में क्या कुछ और अलग से सामने निकल के आया, क्या और घटनाएं भी कोई इनके द्वारा की गई सामने निकल के आ रही? देखिए ये मैं तभी बता पाऊंगा आपको डिटेल में जब सारे के सारे एक बार अरेस्ट हो जाएं, तब पता लगेगा। जो FIR है इसमें हमने FIR दर्ज करी है और उनके कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पे, हालांकि नामालूम लोग हैं अभी उनके नाम पता इनको नहीं मालूम, क्योंकि जैसे बताया कि दो बाइक पे नकाबपोश लोग थे तो उनके नाम नहीं पता आए हैं अभी, लेकिन जो आसपास की CCTV फुटेज वगैरह है और जो आसपास के मुखबिरी से जो पता लगा कि यही ग्रुप है। कितनी टीमों का गठन किया है आपने? देखिए ऑलरेडी हमारी तो 4-5 टीमें हमारे जिले की पहले से ही थी, तो बाकी जैसे मैंने बताया हमारे ADG रेंज साहब की आदेशानुसार रोहतक झज्जर और सोनीपत की भी टीमें हमारे पास आई है। पिछले लगातार दादरी क्षेत्र में गोलियां चल रही है, परसों भी कल्याणा में चली थी, आगे अनाज मंडी में आए हैं, आप गए किस क्या गए पुलिस प्रशासन? ऐसा कहने का है दादरी में एक टेरर फैल गया, जब इनके ऊपर ही गोली चल गई तो सेफ कौन, पुलिस सेफ? मेरे को लगता था कोई सेफ होगा दादरी, और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वो विद वहाँ तो मेरे ट्वीट करते रहे सर, एडमिनिस्ट्रेशन का भट्टा बैठे है, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, वहाँ और दादरी में खुद आए और देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आज आरती होने जहाँ फैसला लिया, सांसद भी यहाँ मंडी का जायजा लेने आ रहे हैं, तो इन फैसला लिया गेट बंद करेंगे किसी प्रकार नहीं खोलेंगे, मंडी भी बंद होगी। मैं तो कहूँगा क्योंकि मेरे लिए तो लोगों ने किया हुआ है, मेरे पर केस बना, दादरी की एक दुकान भी खुलने गई थी, तो अपना रोष प्रकट करने के लिए दादरी के शहर के लोगों से मैं अपील करूँगा कि एक दिन का अपना बंद रखें। दाना खरीदा जाए, कोई किसान बचे ना,
हमारी सबसे पहले कोशिश ये रही प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी सोच है, MSP के आधार पर आज कपास, मूंग और बाजरा जितना भी किसान ने बोया है उनकी सारी की सारी फसल हम खरीद के इसका कहीं कोई कमी आती है तो उसका हम कोई ना कोई तरीका समाधान निकाल लेंगे। कपास की अभी खरीद, अभी कपास की खरीद, अभी मेरी CMD हैं मिस्टर प्रदीप अग्रवाल जो बम्बई बैठते हैं, यहाँ की खरीद शुरू हो चुकी है आज या कल में, क्योंकि कई जगह सिरसा सिंसार साइड में शायद मॉइस्चर ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पानी ज़्यादा लगता है, अपने यहाँ तो सूखा इलाका है, तो उनके हिसाब से उनकी गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ की कपास में अगर कोई शिकायत है तो उसको हम दूर करेंगे ताकि यहाँ की कपास MSP के आधार पर सारी खरीदी जाए कपास के लिए। दादरी में कब तक शुरू हो जाएगी? पता ना, आज या कल से ही, सोमवार से हो जाएगी। आज या कल इसलिए हम दिक्कत है कि यहाँ एक कहीं ना कहीं कोई ऐसी वारदात हुई है जो बड़ी शर्मसार है, जिसकी वजह से यहाँ के व्यापारियों में आज ताला लगा हुआ है, इसलिए आज तो ये संभव नहीं है। आप व्यापारियों से मिले आश्वासन? हाँ बिल्कुल, व्यापारियों से भी मिले होंगे और किसानों से भी मिले। जो फायरिंग हुई है उसको ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे जैसे जिले में, हमारे इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन जिस प्रकार खराब हुई है कुछ एक क्रिमिनल आदमियों द्वारा, ये बहुत बुरी बात है। इसको लेकर कुछ, हाँ इसके लिए हम अलग से मीटिंग करेंगे।